नमस्ते, बर्नस किचन में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी कच्चे आलू से आलू की पराठे। सबसे पहले एक बड़े साइज की आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। कच्चे आलू से पराठा बनाना बहुत ही आसान है। कम समय पर बिना झंझट से ही ये पराठा रेडी हो जाता है। मैं आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब मैं इस पर डालूंगी थोड़ी सी प्याज, एक कप गेहूं के आटे, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, थोड़ी सी आमचूर पाउडर और नमक। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस पर पहले से ही पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि आलू में ही बहुत ज़्यादा पानी होता है। ज़रूरत हो तो ही पानी ऐड करना। मुझे थोड़ा सा ज़रूरत हुआ, इसलिए मैं थोड़ी सी पानी इसमें डाल ली। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा ये डोफ रेडी हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए इसे ही छोड़ देती हूँ, लगभग 10 to 15 minutes। अब सूखी आटे से इसको अच्छे से चारों ओर लगा लेना है। इसे लगाने से बेलने के समय पराठे बेलन पर नहीं सूखेंगे। अब इसको धीरे धीरे करके बेलना है, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दबाकर बेलने से पराठा फट जाता है।
ऐसे ही मैं सभी पराठाओं को अच्छे से बेल लिया है। फ्राई पैन को हल्का सा गरम करके इसमें दे देना है। दोनों तरफ से सेक लेने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी तेल या आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। मेरा पराठा बनकर रेडी हो गया है। इसको मैं ग्रीन चटनी और प्याज की चटनी के साथ सर्व करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।